हिमाचल प्रदेश भी देश के अन्य हिस्सों की तरह ही महिलाओं की स्थिति भी वहाँ पर संतोषजनक है। वहाँ की महिलाओं की और बच्चियों की स्थिति भी वहाँ सुरक्षित नहीं है। अभी हिमाचल प्रदेश में पिछले कई सालों से महिला आंदोलनों को लेकर, महिला इशू को लेकर हम संघर्षरत है। और हिमाचल प्रदेश में पिछले सरकार के टाइम गुड़िया रेप हुआ था, उसकी हत्या हुई थी, उसके लिए लगातार संघर्ष जारी है। आज भी हम मांग कर रहे हैं CBI से कि उसके कातिलों को पकड़ा जाए। और उसके साथ हिमाचल प्रदेश में पिछले 2-2.5 महीने से लगातार घटनाक्रम घट रहे हैं। कभी बच्चियों के साथ रेप होता है, मर्डर होता है। और जो अभी वर्तमान सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी है वो भी कहने को तो मैनिफेस्टो में ये कहा था कि हम महिलाओं की सुरक्षा देंगे, पर हकीकत में वो कोसों दूर है। और वो महिलाओं को सुरक्षा देने के बजाय वो दोषियों को की हिफाजत कर रही है। तो हमारा ये मानना है कि हमें और अपने संघर्ष को तेज़ करना होगा, दूसरे जन संघर्षों के साथ अपनी एकता को एकताबद्ध करते हुए अपने संघर्ष को आगे बढ़ाना होगा।